हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। आज की हमारे एपिसोड 17 की बात करेंगे। एपिसोड आज का हमारा जो 17वां होना वाला है, आज हम उसकी बात करेंगे। एमपीपीएससी की परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा का जो अभ्यास हम चालू किए हैं उसकी यहाँ पर आज 17वें एपिसोड की बात करने वाले हैं। यहाँ पर किस चीज पे फोकस रहेगा, तो मध्य प्रदेश का जो पीसीएस का एग्जाम है प्रीलिम्स का, उस प्री पर यहाँ पे फोकस कर रहे हैं हम। और आज की हमारी 17वीं वीडियो की आज हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक नट लर्निंग ऐप को, या रखिए कौन से ऐप को, नट लर्निंग ऐप को, जिसमें आप लोगों को एमपीपीएससी की हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में टेस्ट सीरीज लगाने का मौका मिलेगा। जिसमें टेस्ट सीरीज लगाने का मौका मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में आप लगा सकते हैं। 238 टेस्ट हैं इसमें, 238 टेस्ट आपके जीएस और सीसेट दोनों के टेस्ट हैं, तो आप इसको भरपूर तरीके से लगा सकते हैं। स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो सकता है पहला क्वेश्चन आपके लिए सरल हो सकता है पहला क्वेश्चन आपके लिए कठिन हो, लेकिन एक दो क्वेश्चन को देख के आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करना है। करीब करीब पहले 15 क्वेश्चन देखो, अगर आपको लगता है कि हाँ परफेक्ट है तो फिर देखते रहिएगा। चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है। खैर, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस भाग में खनिज संपदा अधिक है? तो खनिज संपदा यहाँ पे वो लिखा है कि सबसे अधिक किस क्षेत्र में है, मध्य प्रदेश के किस भाग में है। यहाँ पे ऑप्शन है, बड़े प्यारे ऑप्शन है, मध्य भाग, पूर्वी दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग, पश्चिमी भाग। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा पूर्वी दक्षिणी भाग में, कहाँ पे, साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में आप देखोगे तो सबसे अधिक खनिज जो है मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाकवि कालिदास का संबंध किस शहर से है? बात कर रहा है जो कालिदास थे, कालिदास का संबंध किस शहर से है? सारे शहर के नाम कहाँ के हैं, एमपी के ही है। अब कहाँ कभी कालिदास का संबंध डायरेक्टली पूछा जा सकता है किस शहर से है, तो इनका संबंध उज्जैन से है। याद रखिए कहाँ का, उज्जैन से। उज्जैन 12 ज्योतिर्लिंगों में से वहां पर एक ज्योतिर्लिंग भी है, और ये महाकाल के नाम से इसको, ज्योतिर्लिंग को हम जानते हैं। तो महाकवि कालिदास का संबंध उज्जैन शहर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा एमपीपीसीएस के लिए, एमपीपीसीएस प्री के लिए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम के पर्पज से प्री प्लस मेंस दोनों का रिवीजन कराने वाले हैं, तैयारी कराने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पे न्यू हो, आपको नहीं पता है, नोटिफिकेशन बने रहिएगा, आप लोगों को पता चलेगा। खैर, अभी हम एमपीपीसीएस प्री के लिए, एमपीपीसीएस प्री के लिए करंट अफेयर सेक्शन चलाने वाले हैं, जो कि टारगेट होगा अभी इसी वर्ष का एग्जाम का, अप्रैल का। तो करंट अफेयर्स देखिएगा, बहुत बढ़िया करंट अफेयर्स होगी, इसमें आप लोगों को मजा आने वाला है ना। एग्जाम के पर्पज से इंपोर्टेंट होगी, इसीलिए मैंने उसको वहां पर आपके लिए ला रहा हूँ। उस पर काम चल रहा है भी, पीपीटी बन रही है, जैसे ही बन के रेडी होगी और वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाए। प्रसिद्ध उदयगिरी गुफा कहाँ है? देखो, उदयगिरी गुफा आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, लेकिन अभी पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए। जो उदयगिरी गुफा है वो वहां कहाँ पे है, ये जबलपुर में है। याद रखिएगा, उदयगिरी गुफा जबलपुर में स्थित है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, कई बार क्वेश्चन इसी तरीके से आए हैं, उसी फॉर्मेट में मैंने इस पीपीटी को बनाया भी हुआ है। तो प्रसिद्ध उदयगिरी गुफा की बात की जाए, जबलपुर में है। महाकवि कालिदास का संबंध उज्जैन शहर से है। मध्य प्रदेश के किस स्थान की साड़ियां प्रसिद्ध हैं? चार ऑप्शन है। पहुंच रहा है कि जो महिलाएं साड़ियां पहनती हैं वह मध्य प्रदेश के किस स्थान की फेमस है? तो आपको पता होना चाहिए चंदेरी की साड़ियां फेमस है। मध्य प्रदेश में जितने भी अभी तक जीआई टैग मिल चुके हैं, किसको, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिल चुके हैं 2023 से लेके 2024 तक, पैसिफिक मैंने दो वीडियो बना दी हैं, डिस्क्रिप्शन में तो लिंक होगी या चैनल पे जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। इंपोर्टेंट है, जीआई टैग इस बार जरूर पूछ जाएंगे, याद रखिएगा बहुत सारे जीआई टैग दिए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश किस स्थान की साड़ियां प्रसिद्ध है? चंदेरी की साड़ियां प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में टीवी पर अधिकांश कार्यक्रम किस केंद्र से प्रसारित किए जाते हैं? बात कर रहा है कि मध्य प्रदेश में जो टीवी पर कार्यक्रम देखते हैं वह सर्वाधिक कार्यक्रम या प्रोग्राम किस केंद्र से प्रसारित या फिर भेजे जाते हैं? तो दिल्ली से। अरे कहाँ से, दिल्ली से भेजे जाते हैं, रखिएगा, है ना, दिल्ली से भेजे जाते हैं। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी व्यावसायिक विज्ञापन सेवा कब प्रारंभ की गई थी? आपको पता होगा कि आकाशवाणी जो मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई थी, लेकिन व्यावसायिक विज्ञापन सेवा प्रारंभ की गई थी, तो इसने व्यवसाय विज्ञापन सेवा 1975 में स्टार्ट की थी। कब की थी, 1975 में इसने व्यवसायिक विज्ञापन सेवा को स्टार्ट कर दिया था। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक भाग किस रेलवे में लाभान्वित होता है? बात कराया जो रेलवे है, तो रेलवे का ऐसा कौन सा भाग है
उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे या पश्चिमी रेलवे, इन रेलवे में से ऐसा कौन सा भाग है जो मध्य प्रदेश को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है, लाभान्वित होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा मध्य रेलवे। कौन सा? मध्य रेलवे। ए ऑप्शन सही है, मध्य रेलवे से सबसे अधिक इसको लाभ प्राप्त होता है। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में नट लर्निंग ऐप की स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नट लर्निंग ऐप नाम आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, वहां पर आपको डाउनलोड करने का मौका मिल जाएगा। डाउनलोड करेंगे, बहुत सारी करंट अफेयर, डेली PDF, आप लोग टेस्ट सीरीज बहुत सब लगा सकते हैं फ्री में, देखते रहिएगा। एक बार डाउनलोड जरूर करके देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश में पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? पुलिस का यातायात का ट्रेनिंग का एक कह सकते हैं संस्थान है, वो एक कहां पर स्थापित किया गया है? तो भोपाल में। याद रखिएगा, भोपाल शहर में पुलिस के लिए जो यातायात की प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाती है, भोपाल शहर में उसका संस्थान की स्थापना की गई। भोपाल संभाग में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? बात कराए कि जो भोपाल संभाग है, आपको पता है कि MP में कितने संभाग हैं, मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, बताइएगा। अभी हम पूछ रहे हैं कि जो भोपाल संभाग है उसमें चार में से कौन सा जिला शामिल नहीं है, मतलब तीन जिले शामिल हैं। तो अगर देखा जाए विदिशा, तो विदिशा इसमें शामिल है, सीहोर सीहोर भी शामिल है, बैतूल भी शामिल है, लेकिन होशंगाबाद शामिल नहीं है, होशंगाबाद शामिल या नर्मदापुरम शामिल नहीं है भोपाल संभाग में, याद रखिएगा। मंडला किले के चारों ओर किस नदी का घेरा है? तो यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। जो मंडला का किला है, मंडला जिले के पास कौन सी नदी है, या मंडला जिले के चारों तरफ कौन सी नदी है? तो यहाँ पर आप पता होना चाहिए मंडला जिले के जो चारों तरफ नदी है वह कौन सी नदी है, उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा नदी, याद रखिएगा। नर्मदा नदी मंडला किले के चारों ओर घेरे के तरीके से बहती हुई चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के यूनेस्को के किसके यूनेस्को में मध्य प्रदेश के 6 स्थलों को अस्थायी सूची का दर्जा प्राप्त है, किसको अस्थायी सूची का दर्जा प्राप्त किया गया है? क्या आपको पता है वो 6 स्थल कौन से हैं? अगर नहीं पता है, मैंने कल वीडियो अपलोड कर दी है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, क्लिक करके एक बार देख लो कि मध्य प्रदेश के 6 स्थलों को अस्थायी सूची का दर्जा दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 2010 से बराबर इस प्रक्रिया में भूमिका निभाई जा रही थी कि इनको यूनेस्को में दर्जा प्राप्त हो जाए। हालांकि अभी तक स्थायी दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, अस्थायी दर्जा प्राप्त है तो इसलिए पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा उसको नजर कर लो। भारत के किलों का रतन मध्य प्रदेश के किस किले को कहा जाता है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में इस क्वेश्चन को बड़े ही अलग तरीके से पूछा गया है। खैर, हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत के जो किला है उन सभी किलों में ग्वालियर के किले को भारत के किलों का रतन कहा जाता है, और ग्वालियर के किले को हम जिब्राल्टर भी कहते हैं, याद रखिए। क्या कहते हैं? जिब्राल्टर भी कहते हैं। क्वेश्चन आया था पिछली बार के नेक्स्ट पिछली बार के जिब्राल्टर भारत के किलों में से किस किले को कहते हैं, तो ग्वालियर किले कहते हैं। अब क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के किलों का रतन मध्य प्रदेश के किस किले को कहा जाता है, तो आप पता होना चाहिए ग्वालियर के किले को कहा जाता है, जिसको जिब्राल्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध कला के उत्कृष्ट नमूने मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलते हैं? बौद्ध कला के जो बुद्ध से संबंधित कला है, उस कला के नमूने की बात कर रहा है कि मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलते हैं, तो सांची में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? सांची में। सम्राट अशोक ने सांची में स्तूप का निर्माण कराया था, बहुत बड़ा स्तूप है ना, फेमस है, जाना जाता है बौद्ध के लिए। तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में जो नमूने देखने को मिलते हैं वो सांची में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर आप लोग देखोगे तो उद्योग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश में जो उद्योग होते हैं उनमें सबसे बड़ा उद्योग किस क्षेत्र का सबसे अधिक है? तो ऑप्शन है कपड़ा उद्योग। किसका है? कपड़ा उद्योग, याद रखें। कपड़ा उद्योग मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग के रूप में जाना जाता है। करेंसी छापा खाना, ये आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, कम से कम नहीं हो 3 से 4 बार पूछा जा चुका है ना। करेंसी का जो छापा खाना है, करेंसी का जो छपाई का कारखाना है करेंसी नोट का, वह कहां पर स्थित है? तो करेंसी नोट की छपाई देवास में होती है। कहां पर होती है? देवास में। क्या आपकी नौकरी लग जाए वहां तो बढ़िया रहेगा, पैसा नहीं कमाना पड़ेगा है? अरे ऐसा कुछ नहीं होता है ना। करेंसी छापा खाना कहां पर है? तो छपाई कारखाना देवास में स्थित है। मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो नोट छापने कारखाना होशंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर? होशंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसकी बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उद्योगों की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित है?
यहाँ पे कह रहा है कि जो उद्योग है, उद्योगों में एक ऐसा जिला है जो सर्वाधिक विकसित दिखता है बाकी जिलों की अपेक्षा। तो वह कौन सा जिला है? अगर हम उस जिले की बात करें तो जबलपुर, क्या रखिएगा, जबलपुर ऐसा एक जिला है जो उद्योगों की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित अवस्था में दिखता है ना। जबलपुर किसी और चीज की फेमस है? अगर आपको पता है मुझे बताइएगा, मैं आपको क्लू देता हूं कि वाटरफॉल्स के लिए फेमस है। किसके लिए? वाटरफॉल्स के लिए फेमस है। आप मुझे बता सकते हैं वहां पर कितने वाटरफॉल्स हैं? आप मुझे कमेंट करके बताइए। मध्य प्रदेश का कौन सा भाग उद्योग धंधों की दृष्टि से अधिक विकसित है? अभी मैंने पूछा था कौन सा शहर विकसित है, अभी पूछ रहा है कि उद्योग धंधों की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र फेमस है। बघेलखंड, पूर्वी पठार, मध्य पठार या बुंदेलखंड? तो आपको पता है कि बुंदेलखंड तो भैया बहुत पिछड़ा है ना। अभी क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से चलते हैं कि उद्योग धंधों की दृष्टि से सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो बघेलखंड है। कौन सा है? बघेलखंड देखोगे तो सबसे विकसित है। जबलपुर क्या इसी क्षेत्र में आता है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मध्य प्रदेश में डॉक्टर सर्किल का प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ था? बात कराए कि मध्य प्रदेश में जो डॉक्टर सर्किल थे, डॉक्टर सर्किल का जो प्रारंभिक मुख्यालय मुख्यालय था वो कहां पर था? तो वह नागपुर में था। याद रखिएगा कहां पे था? नागपुर में। नागपुर भी मध्य प्रदेश की राजधानी रह चुकी है, कब तक रही है? नागपुर मध्य प्रदेश की राजधानी कब तक रही है? और उसके बाद फिर भोपाल हो गई थी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं आप लोग का आईक्यू लेवल कितना बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगाया था? तो आपको पता होना चाहिए 30 अप्रैल 1977 को। कब? 30 अप्रैल 1977 को पहली बार राष्ट्रपति ने जहां पर शासन मध्य प्रदेश में लागू किया हुआ था, 30 अप्रैल 1977 को। तिलहन उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का क्या स्थान है? तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान पूछ रहा है। तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है। किस स्थान पर? फर्स्ट स्थान पर मध्य प्रदेश है। भारत के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में खजुराहो का स्थान कौन सा है? बात कर रहा है कि जो भारत है, भारत में मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में खजुराहो स्थित है। अब खजुराहो पूछ रहा है कि जो पर्यटन स्थलों में खजुराहो है वह किस स्थान पर गिना जाता है या नाम आता है? तो खजुराहो का जो पर्यटन स्थलों में वो नाम है, अगर वो देखा जाए तो तीसरा स्थान पर पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। किस पे? तीसरे स्थान पर इसको जाना जाता है, थर्ड स्टेज पर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की खान हीरा निकाला जाता है? तो किस क्षेत्र की खान से हीरा डायमंड को निकाला जाता है? तो हीरे की बात कर रहे हैं, सबका प्रसिद्ध होता है हीरा। हीरा कब से खान से निकाला जाता है? उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर अभी तक नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ में ऐप नट लर्निंग ऐप नाम से, ये देखिए नाम, नट लर्निंग ऐप नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। किस क्षेत्र की खान हीरा के लिए निकाला जाता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो मझगवा की खान से। कहां से? सी ऑप्शन सही है, मझगवा की खान से हीरा निकाला जाता है। सबसे अधिक वहां से हीरा का उत्पादन होता है या निकाल कर उसको प्रसंस्करण फिर किया जाता है। कौन सी नदी है जो पंचमढ़ी के महादेव पर्वत से, याद रखिएगा, पंचमढ़ी के महादेव पर्वत से निकलकर नर्मदा नदी में मिलती है? एक ऐसी नदी पूछ रहा है, जैसे मान लो नर्मदा नदी जो जा रही है और ये पंचमढ़ी है, तो यहां से नदी निकली फिर वह जाकर नर्मदा नदी से मिल जाती है। तो वह कौन सी नदी है? उस नदी का नाम है तवा नदी। क्या नाम है? तवा नदी। ऐसी नदी है जो पंचमढ़ी के महादेव पर्वत से निकलती है, उसके बाद नर्मदा में यह मिल जाती है। तो यहाँ पे देखो, ये तो आप दो तीन क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कवर हो चुके हैं। भरोतिया और नाहर किस जनजाति की उपजातियां हैं? बात कर रहा है ये जो जनजातियां हैं, ये जनजातियां किस जनजाति की उपजातियां हैं? अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो बैगा एक ऐसी जनजाति है। कौन सी? बैगा एक ऐसी जनजाति है जिसकी भतौरिया और नाहर उपजातियां के रूप में इसको जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? बात कर रहा है कि बेमेल, इनमें से तीन सेम मेल के हैं स्थान और लेकिन एक मैच नहीं कर रहा है। तो देखते हैं कौन सा मैच नहीं कर रहा है। अजयगढ़, बांधवगढ़ और गिन्नौरगढ़, ये तो मैच कर रहे हैं, लेकिन मुक्तागिरी देखोगे ये मैच नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पर बेमेल, अजयगढ़, बांधवगढ़, गिन्नौर तो सेम है, लेकिन मुक्तागिरी बेमेल है। मकबूल फिदा हुसैन कसम मन किससे है? कभी कभी क्वेश्चन आप देखोगे तो इस तरीके से पूछ जाते हैं, व्यक्ति का नाम होगा, व्यक्ति के नाम के बाद पूछ जाएगा इनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो मकबूल फिदा हुसैन का संबंध आप देखोगे तो चित्रकला से इनका संबंध है। किससे? चित्रकला से इनका संबंध है। आप इनसे अपनी चित्रकला बनवा सकते थे।
है ना, चित्रकला से इनका संबंध था। मध्य प्रदेश का साप्ताहिक अहिल्यावाणी राज्य किस नगर से प्रकाशित होता है? एक अहिल्यावाणी साप्ताहिक अखबार था और ये किस नगर से प्रकाशित होता है ये पूछ रहा है, और ये कैसा था? साप्ताहिक था, सप्ताह में निकलता था, जिस तरीके से हमारी वीकली करंट अफेयर्स आती है और आप इसको देखते नहीं हो, हर संडे को आती है, हर संडे को 1 बजे आती है दोपहर में और आप इसको नहीं देखते हो, देखा करो, अच्छी होती है, उसमें 7 करंट अफेयर्स रहती है सप्ताह भर की, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मध्य प्रदेश का साप्ताहिक अहिल्यावाणी राज्य किस नगर से प्रकाशित होता था? अगर देखा जाए तो वो इंदौर नगर से प्रकाशित, कहां से? इंदौर नगर से प्रकाशित होता था। बुरहानपुर जिला किस जिले से अलग होकर बना है? बात कर रहा है कि बुरहानपुर का जो जिला बना है पर वो किससे अलग होकर बनाया गया है, तो वह इंदौर से अलग होकर बनाया, किससे? इंदौर से अलग होकर बुरहानपुर जिले को बनाया गया है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की किस नदी में वर्ष पर्यंत जल बना रहता है? बात कर रहा है कि वर्ष के पर्यंत भी, वर्षा के बाद भी जल बना रहता है मध्य प्रदेश में, ऐसी कौन सी नदी है? तो ये सभी नदियां हैं, कौन सी है? सोन नदी में वर्ष भर जल बना रहता है, नर्मदा नदी में वर्ष भर जल बनता है, और केन नदी में। तो चाहे सोन नदी हो, चाहे नर्मदा नदी हो, और चाहे केन नदी हो, सभी में देखोगे तो आप पूरे साल पानी बना रहता है, वर्षा बनी रहती है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बात कर रहा है जो सॉइल है, ये मिट्टी है, वह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन आपका लाल पीली, जो मिट्टी देखोगे लाल पीली, याद रखिएगा, लाल पीली मिट्टी देखोगे तो सर्वाधिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अरे कभी कभी मैप लेके ही बैठा करो, है ना, सबसे अधिक लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। खैर, हम नेक्स्ट वीडियो 18वीं की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग बने रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड सर्कल में, और ऐप को डाउनलोड करके वहां पे टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, वीडियो कर लेने की आप बहुत बहुत धन्यवाद।